नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6, 7, 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दो बातों पर आज विचार करेंगे। एक, क्या वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच पर्दे के पीछे किसी तरह का कोई समझौता हो चुका है? समझौता हुआ है तो क्या बागियों को लेकर हुआ है, या फिर समझौते के तहत और क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जो राजनीतिक गलियारों में जो कयासबाजी लगाई जा रही है, उसके हिसाब से बताना है मैं कोशिश करूंगा। फलोदी का सट्टा विश्वसनीय है या बीकानेर का सट्टा, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि सचिन पायलट क्या साहब है और टोंक की जनता क्या साहब और भाई साहब में से किसी एक को चुनेगी। इंटरेस्टिंग है। तो पहले बात करते हैं बागियों की। बीजेपी की तरफ से 22 बागी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की संख्या भी 20-22 बताई जा रही है। बीजेपी ने अपने बागियों के खिलाफ अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए बंद हो गए हैं। लेकिन बागी भी जानते हैं कि राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रहता और कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। आखिर इस बार जो टिकट दिए गए, उसमें से पिछले 5 साल पहले भी के भी कुछ बागियों को टिकट दिए गए थे, जिनके खिलाफ इसी तरह का फरमान आया था कि अब इन बागियों की बीजेपी में कभी एंट्री नहीं होगी। और इस बार हमने देखा ससम्मान एंट्री हुई। कांग्रेस की तरफ से भी यही खेल देखने को मिला। कांग्रेस ने भी परहेज नहीं किया, बीजेपी ने भी परहेज नहीं किया बागी दागी और पैराशूट उम्मीदवारों का। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि क्या वसुंधरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में कोई पैक्ट है? क्या बागी 22 बागी जो बीजेपी की तरफ से हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 15-16 वसुंधरा के बागी हैं और 20-22 बागी जो गहलोत की तरफ से खड़े के पार्टी से बगावत करके खड़े हैं, उसमें भी गहलोत की से 10-12-13 विधायक बागियों में बताई जाती है। लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा चाहती और पार्टी अगर कहती तो ये बागियों को घर बैठाया जा सकता था। आखिर वसुंधरा ने चाहा, पार्टी ने भी जोर लगाया, तो राज्यपाल का हमने देखा, जयपुर का अमित शाह का फोन आया, फिर अरुण सिंह से बात हुई। लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा? अंत में मैंने वसुंधरा जी से बात की और फिर नामांकन वापस लेने का फैसला किया। यानी वसुंधरा ने साफ संकेत दिया कि अंतिम अधिकार, सर्वाधिकार उनके पास है, आला कमान के पास नहीं है। एक दो और जगह वो भरतपुर साइड में एक होटल में गई, वहां एक दो बगावत वाले के लिए जो धमकी दे रहे थे उन नेताओं से मिली और बगावत से पहले ही पर्चा वापस करवा दिया, भरवाया ही नहीं। तो फिर भी 10-12-15 उनके लोग हैं, क्यों हैं और वो क्या काम आएंगे वसुंधरा के? इसी तरह अशोक गहलोत के जो बागी हैं वो क्या काम आएंगे अशोक गहलोत के? या हम कहें कि वसुंधरा के बागी क्या अशोक गहलोत के काम आएंगे और अशोक गहलोत के बागी जरूरत पड़ने पर क्या वसुंधरा के काम आएंगे? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ जगह कमजोर कैंडिडेट उतारे गए हैं, 2-4-5 नाम हैं मेरी जुबान पर, लेकिन मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता। जब हार जीत होगी उसके आधार पर विश्लेषण जब अंतिम करेंगे तो फिर खुलासा अपने आप हो जाएगा कि कहां किस बागी को जिताने के लिए किस पार्टी ने, पार्टी कहा जाए या कहां गहलोत ने और कहां वसुंधरा ने कोशिश की कि कमजोर कैंडिडेट उतार जाए। यहां अशोक गहलोत की ज्यादा चली क्योंकि पार्टी में ही उनकी ज्यादा चल रही थी। तो मकसद क्या है? मकसद यही है कि दोनों को लग रहा है कि चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव को मैनेज करना अलग बात है। अशोक गहलोत तो पिछली 2 बार से कहा जा रहा है कि इतने बड़े जादूगर हैं कि वो मैनेज करना जानते हैं। 2018 में साफ लग रहा था कि कांग्रेस 115-120 पार करेगी, लेकिन पार्टी अटक गई 100 पर, ठीक 100 पर अटक गई। क्यों? क्योंकि 120 पार करती तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। 95 से 100 के बीच का आंकड़ा अशोक गहलोत को सूट करता है। पहले भी 96 आए थे, बीएसपी तब भी काम आई, पिछली बार भी काम आई। इस बार सचिन पायलट को धराशाही सियासी रूप से किया गया। उससे पहले सीपी जोशी चुनाव हार ही गए थे और अब खुद ही धराशाही हो गए थे। वसुंधरा भी अब इस मैनेजमेंट को, चुनाव प्रबंधन को
जीत को हार को मैनेज करना शायद सीख गई है, और अशोक गहलोत ने शायद मदद भी की है, और अब अशोक गहलोत के स्टाइल में वसुंधरा भी टैक्टफुली आगे बढ़ रही है। एक कुछ जगह बागियों को घर बैठाया, बहुत सी जगह बागियों को घर नहीं बैठाया, कुछ जगह निर्दलीय उतार दिए, कुछ जगह पार्टी का उम्मीदवार है उसके बावजूद एक दो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिए, कुछ जगह पार्टी के एक आलाकमान को खुश करने के लिए, जहां वसुंधरा को लग रहा था कि वहां बागी जो बगावत पर उतरने वाला उनका उम्मीदवार है वो चुनाव जीतने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कांग्रेस को जिताने की स्थिति में है, तो उसको उसका पर्चा रखवा लिया, नामांकन वापस करवा लिया। तो वसुंधरा भी चाह रही है कि बीजेपी 95 और 100 के बीच में झूले, और ऐसे में फिर ये बागी जो कांग्रेस से बगावत करके जीतेंगे वो काम आएंगे, जरूरत पड़ी तो इशारा हो जाएगा कि आप उस तरफ चले जाइए, इसी तरह जरूरत पड़ी तो उस तरफ से इशारा हो जाएगा कि आप उस तरफ चले जाइए। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत उलटवांसी है, ये इसमें किंतु परंतु अगर मगर है, बिल्कुल है, लेकिन यही तो राजनीति का खेल है। और 2018 में हम देख चुके हैं, भैरू सिंह जी के टाइम भी हम देख चुके हैं, तो जो चीजें 2018 में हम देख चुके हैं वो 2023 में रिपीट क्यों नहीं हो सकती, जबकि दोनों जानते हैं कि दोनों अपनी सियासी पारियां, आखिरी अंतिम सियासी पारियां खेल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वसुंधरा के लिए हो सकता है अंतिम सियासी पारी हो, गहलोत तो कितने साल के हो जाएंगे 2028 में, 77-78 के, और आज की तारीख में कमलनाथ 77-78 की साल में मुख्यमंत्री के पुख्ता दावेदार है। समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा था। अब ये खबर सुन के सचिन पायलट के समर्थकों को थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, वैसे भी सचिन पायलट के जो टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं वहां गुर्जर तो उनका साथ देंगे, बाकी जगह कितना साथ मिलेगा कितना नहीं ये अलग बहस की बात है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो टोंक से बीजेपी के अजीत सिंह मेहता खड़े हुए हैं उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा साहब ये टोंक से तो सचिन पायलट बाहरी हैं, भाई 5 साल से विधायक हैं बाहरी कैसे हो सकते हैं, चलिए मान लिया बाहरी हैं, फिर कहा कि साहब ये तो साहेब हैं, साहब हैं ये सचिन साहब हैं और मैं भाई साहब हूं, तो टोंक की जनता को साहब और भाई साहब में से चुनना है तो स्वाभाविक तौर पर टोंक की जनता को भाई साहब को चुनना चाहिए। वैसे बीजेपी में एक दूसरे को भाई साहब कहना एक आम चलन है, संघ में खास तौर से, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज, कांग्रेस में थे तो महाराज थे, बीजेपी में आ गए तो भी महाराज रहे, लेकिन धीरे 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 बीजेपी की कल्चर में वो रचते बसते गए, अब वो भाई साहब हो गए हैं, महल के दरवाजे भी खुल गए हैं। तो महाराज से भाई साहब हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनकी किस्मत कितनी चमकती है इस बार, या उनके समर्थकों की किस्मत कितनी ग्वालियर चंबल संभाग में चमकती है वो अलग देखने की बात है, लेकिन ये भाई साहब एक चलन है। और सचिन पायलट को क्या इस तर्क पर मात दी जा सकती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सचिन पायलट हो सकता है साहब की भूमिका में हो, जैसा कांग्रेस के नेता जो भी नेता पद पा जाता है वो साहब हो जाता है, फिर बड़ा साहब हो जाता है, फिर सुप्रीम साहब हो जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सचिन पायलट के खिलाफ ये साहब और भाई साहब का नारा मुझे नहीं लगता चलने वाला है। चलिए कल मिलते हैं और किसी ऐसे ही एक दो और अनोखे पक्षों पर बात करेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।